ग्रामीणों का ये विरोध था कि गढ़ा बांध अपने ओरिजिनल स्वरूप में बने, उसकी जगह कोई बैराज ना बने। हमने जो है फाइनल डिजाइन जो की है उसके हिसाब से ओरिजिनल गढ़ा डैम की जगह गढ़ा बांध ही बनेगा, उसकी जगह कोई बैराज नहीं बनेंगे। ये हमने ग्रामीणों को आश्वस्त करवा दिया है कि गढ़ा डैम पूर्व जैसे प्रस्तावित था वैसे ही गढ़ा डैम बनेगा और उसका शीघ्र काम हम लोग प्रारंभ करवाएंगे। लेकिन ये बेसिकली गढ़ा डैम बनाने के लिए इनके द्वारा आह्वान किया गया था कि शासन प्रशासन अगर हमारी मांग नहीं मानता है गढ़ा डैम बनाने की तो हम चक्का जाम करेंगे, तो संबंधित अधिकारियों के द्वारा आ करके सारी स्थितियाँ क्लियर कर दी गई, काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए थे। ऐसी स्थितियों में ट्रैफिक रेगुलेट करवाया गया है प्रॉपर और संपूर्ण स्थितियाँ स्पष्ट कर दी गई हैं उनको संबंधित विभाग के द्वारा, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज में चक्का जाम था, क्या आश्वासन के बाद क्या मांगे क्या बन रही? जो बहुप्रतीक्षित मांग थी गढ़ा डैम की, वो आज शासन के अधिकारियों ने आकर यहाँ पर उस बात को स्वीकृत हरी झंडी दी कि यहाँ पर जो डैम पूर्व में स्वीकृत था उसी हाइट पे वो डैम यहाँ पे बनेगा और जो सिंचाई की परियोजना पूर्व में स्वीकृत थी वही सिंचाई परियोजना यहाँ पर लागू होगी। मैं सभी जिन्होंने संघर्ष किया था उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक सही दिशा में संघर्ष किया और आज उसका उनको रिजल्ट भी मिला। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।